नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल लोकसोप मुकेश पंडित में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो है अमृतसर पार्ट 7, और पार्ट 6 में मैंने जो आपको दिखाया था वो दुर्गियाना मंदिर है। उसके बाद जो हम गए आगे की तरफ, तो रास्ते में जो एक लोकेशन आई थी इसका नाम है साडा पिंड, और ये साडा पिंड एक रेस्टोरेंट की तरह है जो कि एक बहुत बड़ा फार्म हाउस की तरह है, और जिसके अंदर आपको पूरा एक तरह का गाँव बसाया हुआ है जिसमें, और जो पंजाब की फेमस खाने की चीज़ें हैं वो सारी वहाँ पर दिखाई गई हैं, और अंदर खेती और बिल्कुल नेचुरल तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। और इसका जो प्राइस है अंदर जाने का वो 850 के आसपास है, तो आप इसमें आप जा सकते हैं। क्योंकि मैं इसके अंदर नहीं गया उस समय, हमने खाना बहुत ज़्यादा खाया हुआ था, तो अगर हम भूखे होते तो ज़रूर जाते फिर, और टाइम भी कम था क्योंकि नेक्स्ट डे हमें शाम की हमारी ट्रेन थी, तो इसलिए हम उसमें गए नहीं अंदर। और रात में वहाँ का रुकने का करीब 5000 चार्ज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ये इसका बाहर का एंट्रेंस का एरिया है। थोड़ा सा अंदर मैं आपको इसमें लेके चलूँगा जहाँ तक अंदर जा सकते हैं। तो अगर आप कभी वहाँ जाते हैं अमृतसर, तो ये जगह वैसे देखने लायक है, लेकिन मैं नहीं जा पाया। नेक्स्ट टाइम जाऊँगा तो फिर उस समय मैं उसी तरह से प्लान बनाऊँगा कि मैं लंच वहीं पर करूँ। तो आप ये वीडियो एक बार पूरी देखें, और इसके बाद मेरा पार्ट जो 8 है वो एक बहुत ही शानदार मंदिर है जो कि श्री राम का मंदिर है, लवकुश का मंदिर है, तो वो आप ज़रूर देखें इस वीडियो को देखने के बाद। और उसके बाद जो मेरा वो अमृतसर ट्रिप की वीडियो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। मैंने 8 लोकेशन यहाँ पे कवर की थी, और इसके बाद जो आपको वीडियो देखने को मिलेगी वो मिलेगी थाईलैंड की। तो ये वीडियो एंड तक देखें, और जब भी आपको मौका लगे यहाँ एक बार ज़रूर आएँ।